पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीते मंगलवार को आप विधायक रुपिंदर कौर रूबी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रुपिंदर कौर ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा भेजा। अपने इस इस्तीफे में रूबी ने पार्टी के सांसद भगवंत मान को भी टैग किया। खबरों की माने तो अपने इस्तीफे के बाद अब विधायक रुपिंदर कौर कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। लिहाजा आज शाम को कांग्रेस की ओर से चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है और जानकारी के मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबी कांग्रेस खेमे में शामिल हो सकती है। बता दें, रूबी आपके भगवंत मान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित न किए जाने से नाराज चल रही थी और इसी के चलते रूबी ने अरविंद केजरीवाल के मनसा और भटिंडा कार्यक्रम से भी दूरी बना ली थी। वहीं रूबी का पार्टी पर आरोप है, पार्टी सांसद भगवंत मान को अनदेखा कर रही है जिसके चलते वो पार्टी से इस्तीफा दे रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के कुछ और विधायक भी इस्तीफा देने को तैयार है। आपका केंद्रीय नेतृत्व न तो विधायकों की सुन रहा है और न ही सांसद की, ये स्थिति सही नहीं है। कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के साथ ही रूबी की शिरोमणि अकाली दल में भी शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। कुछ समय पहले ये बात भी सामने आई थी कि रूबी की शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के साथ भी बैठक हो चुकी है, लेकिन बाद में रूबी ने खुद ही इन खबरों को महज अफवाह बताया था। इन सब के अलावा सियासी गलियारों में खबरें तो ये भी है कि रूबी ने भटिंडा देहाती के बजाय भुच्चो हलके से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन आप नेतृत्व ने विधायकों के हलके बदलने से मना कर दिया है, जिसके बाद रूबी ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है।